आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI गाइस हर जगह आ चुका है और स्मार्टफोन में ये काफी आ चुका है। आजकल जमाना इसी का ही चल रहा है एंड ऑफकोर्स फ्यूचर भी AI का है। उसको आपको स्मार्टफोन में ट्राई करने के लिए एक्सपेंसिव फोन्स बाय करने की जरूरत नहीं है। टेक्नो ने एक लेटेस्ट फोन लॉन्च किया है जो कि मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन, इसमें आप ट्रू AI के फीचर्स ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट फोन है इस प्राइस सेगमेंट का जिसमें आपको 108MP कैमरा मिलता है विद 3x लॉसलेस जूम, यानी कि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जूम शॉट ले सकते हैं। 120Hz रिफ्रेश रेट है, बड़ी बैटरी है, अच्छा दमदार प्रोसेसर है, काफी कुछ कमाल के फीचर दिए गए हैं इस स्मार्टफोन में इन जस्ट 12,000 में। चलिए बात करते हैं इन सारे फीचर्स के बारे में, क्या क्या आपको इसमें एक्साइटिंग मिलता है इन दिस फुल रिव्यू। सबसे पहले गाइस हम AI और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं बिकॉज ये इसमें मोस्ट एक्साइटिंग है जो आपको किसी स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। रोम की बात करें, देखो यहाँ पे आपको हाई OS मिलता है जो भी लेटेस्ट 14.5 है और ये एंड्रॉयड 14 के बेस में है। रोम की देखो परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है, इवन अगर आप इसको अफोर्डेबल सेगमेंट में भी देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे इशूज़ नहीं मिलने वाली है। इसमें आपको बहुत सारे क्रेजी सॉफ्टवेयर के फीचर्स मिलते हैं जो आपको अदर कहीं फोन्स में दिखाई नहीं पड़ेंगे। किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप कोई टेक्स्टिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो सेंटेंस, वो वर्ड आपका प्रॉपरली रीफ्रेस या ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं, तो आपको उस सेंटेंस या वर्ड को लॉन्ग प्रेस करना है और वहाँ पे आपको आस्क एक ऑप्शन हो जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस लाइक जनरेटर, ऑप्टिमाइजर और ग्रामर चेकर मिलते हैं। इन समरी में आप अपने टेक्स्ट को प्रॉपरली और ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से रीफ्रेस कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, आप बैकग्राउंड वॉलपेपर रिमूव कर सकते हैं अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी अदर पर्सन के साथ में। पीक मोड का फीचर दिया था, यानी कि आप बिना मैसेज ओपन किए मैसेज पढ़ सकते हैं और जिसने मैसेज भेजा है वो जान भी नहीं पाएगा कि मैसेज पढ़ लिया गया है। ऐसे बहुत से कूल फीचर्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। अब गाइस आ जाते हैं चलिए मेन AI के फीचर्स में, क्या क्या यहाँ पे आपको नया मिलता है इस फोन में। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर जो एवरीडे यूज करना चाहेंगे अपने स्मार्टफोन में वो है गाइस AI वॉलपेपर जनरेटर, बिकॉज आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप इस फोन के AI जनरेटर के थ्रू बहुत ही अच्छे कमाल के वॉलपेपर बना सकते हैं विदाउट बाइंग एनी एप्लीकेशन और ये बहुत ही सही तरह के वॉलपेपर क्रिएट भी करता है। एंड अदर मोस्ट यूजफुल फीचर ये भी है वो है ऑब्जेक्ट इरेजर की, यानी कि अगर आप कोई शॉट लेते हैं बाहर अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स आपके शॉट्स में जरूर आ जाते हैं और ये फोन यानी कि पोवो 6 नियो एग्जैक्टली वो अनवांटेड ऑब्जेक्ट आपके फोन से हटा देता है विदाउट एनी प्रॉब्लम और आपको लगेगा भी नहीं कि वहाँ पे कभी कुछ था। इस फोन के कैमरे में एक कूल फीचर मिलता है गाइस जिसको बोलते हैं AIGC पोर्ट्रेट। बेसिकली आपको जस्ट एक स्ट्रेट फोटोज लेनी है, ये आपके 4 फोटोज क्लिक करेगा और यूजिंग AI वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा बहुत से डिफरेंट तरह के अवतार्स में और आप अपने आप को एक कूल लुकिंग फेस फिगर्स एंड VIPs के फॉर्म में भी देख सकते हैं। यस, फॉर सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए बहुत ही कूल फीचर है जो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। जस्ट लाइक द AI इरेजर, यहाँ पे AI कटआउट का भी फीचर दिया गया है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फोटो से कट कर सकते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड अदर कूल AI का फीचर आपको बताता हूँ गाइस, वो है इसमें AI आर्ट बोर्ड। आप बहुत ही घटिया पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, डोंट वरी, आपको जस्ट एक रफ स्केच बनाना है और टेक्नो पोवो 6 नियो उन सारे ड्राइंग्स को एक ब्यूटीफुल पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देगा। वैसे गाइस ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वंस दिखाए हैं जो मुझे लगता है कि आप एवरीडे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। फ़ोन गाइस देखो वैसे काफ़ी लाइट वेट है, उसका डिज़ाइन भी अच्छा बनाया गया, जैसे कि फ्लैट फ्रेम है, कैमरा का लेआउट भी काफ़ी अच्छा सा दिखाई पड़ रहा है और आपको सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि बटन्स भी एकदम प्रॉपरली फिनिश दिखाई पड़ रहे हैं। टॉप में आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, बॉटम में स्पीकर यानी कि ड्यूअल स्पीकर हो गया, हेडफोन जैक मिलता है, ऑल्सो यहाँ पे आप 1TB तक का SD कार्ड लगा सकते हैं और यहाँ पे आप ड्यूअल 5G सिम कार्ड लगा सकते हैं। सिंपल सी टेक्नो की ब्रांडिंग है तो फोन का लुक भी यहाँ पे मिनिमल प्लस काफी अच्छा बनाया गया और सारे एसेंशियल फीचर आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एनदर मोस्ट एक्साइटिंग फीचर आपको इससे मिलती है गाइस वो है 108MP का मेन कैमरा जो आपको किसी और फोन में इस प्राइस में नहीं मिलता है। अब ज्यादा मेगापिक्सल है उसके देखिए कई एडवांटेज है, फोटोज में डिटेल्स क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाती है, प्लस आप यहाँ से 3x लॉसलेस जूम कर लेते हैं, वो तो मैं आप आगे दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने जितने फोटोज़ ट्राई किए इस फोन से रैंडमली डिफरेंट तरह के सिनेरियोज में लेके, जैसे कि चाहे हम लैंडस्केप शूट कर रहे हो या हम क्लोजअप फोटोज़ ले रहे हो, फोटोज़ में डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी मिल रही है, ह्यूमन सब्जेक्ट पे भी डिटेल्स बहुत ही अच्छी मेंटेन है जो इस प्राइस के हिसाब से आ रही है। साथ साथ यहाँ पे आप 1x 2x पोर्ट्रेट शॉट भी ले सकते हैं और इसका पोर्ट्रेट का एज डिटेक्शन भी काफ़ी बढ़िया है, नेचुरल ब्लर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं कि आपको लगे कि यहाँ क्वालिटी ख़राब जा रही है। और चलिए गाइस जूम की बात कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पे 108MP है तो आप 3x यहाँ पे लॉसलेस जूम कर सकते हैं, क्लैरिटी बहुत ही अच्छी आ रही है 3x and 5x तक, एंड आप एस बियॉन्ड एस 10x तक भी जूम कर सकते हैं जिससे भी शॉट्स ठीक ठाक आ रहे हैं।
अब इस फोन में आपको 108 MP का सेंसर मिलता है, मेगापिक्सल ज़्यादा है, तो उससे एक एडवांटेज मुझे ये दिखाई पड़ा कि लो लाइट में इन कंपैरिजन टू अदर स्मार्टफोन जो इस प्राइस में आते हैं, इसके शॉट अच्छे आ रहे हैं यूजिंग द सेंसर इटसेल्फ, और अगर आप नाइट मोड यूज़ कर लेते हैं तो वो और बेटर हो जाते हैं। इस फोन में गाइस फ्रंट कैमरे से आप 2K 30 FPS की वीडियो बना सकते हैं। मुझे लग रहा था कि ऑफकोर्स यहाँ 1080p होगा, लेकिन 2K उसका एडवांटेज दिख पा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो बियर्ड, फेस, हेयर, ये सब सही है, डिटेल्स टेक्स्चर सही आ रहे हैं, और इवन आप देखो कि बैकग्राउंड में डायनेमिक रेंज भी काफ़ी चाहिए। अभी शाम के 5:30 का वक्त है, लेकिन फिर भी आप देखोगे डिटेल्स अच्छी आ रही है, और सेल्फी फोटोज की क्वालिटी भी अच्छी है। 8 MP होने के बावजूद देखेंगे स्किन टेक्स्चर बहुत ही नेचुरल आ रहा है, और इवन यहाँ पे आप बैकग्राउंड ब्लर देखेंगे, इंडिविजुअल बियर्ड भी यहाँ पे कट नहीं किए गए, शार्प नहीं किए गए, जो कि एकदम प्रॉपरली आ रहा था। इस फोन के रियर कैमरे से आप 2K 30 FPS रेजोल्यूशन के वीडियोस बना सकते हैं। अगेन इस प्राइस में आपको जस्ट 1080p ही मिलता है, मैं एग्जैक्ट प्राइस की बता रहा हूँ, ऊपर जाएंगे ऑफकोर्स चीज़ें बढ़ती आती, लेकिन इस प्राइस में आपको 2K मिल रहा है जिसमें आप अच्छा डिटेल्स पा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा व्लॉगिंग करते हैं या बैक कैमरे से ज़्यादा रील्स बनाते हैं तो आपको ज़्यादा रिजोल्यूशन मिलना है, आप बेटर क्वालिटी के वीडियोस बना सकते हैं। बाकी कलर कंट्रास्ट एंड रेंज भी आई थिंक इस प्राइस से परफेक्टली ओके है, कोई भी ऐसा मेजर कॉन्स में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए गाइस हम और एक्साइटिंग फीचर्स भी ट्राई करते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि हमने काफ़ी AI के फीचर्स देख लिए, कैमरे के फीचर्स देख लिए, उन सबको पावर करने के लिए यहाँ पे Dimensity 6300 CPU दिया गया है। देखो यहाँ पे नया ये दिया गया है कि यूजुअली आप कोई भी फ़ोन देखेंगे आपको इस प्राइस में 4GB ही बेस में मिलता है, और उसके साथ ही साथ आप एडिशनल बढ़ा सकते हैं जो एक्सपेंडेबल रैम होता है, लेकिन यहाँ पे गुड पार्ट क्या है कि आपको बेस वेरिएंट 6GB मिल रहा है। 4 और 6 में गाइस काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है, और क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव जाती है, डिवाइस की फ्लूडिटी बढ़ जाती है, और आपको लैग्स बहुत कम नोटिस होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वर्चुअल रैम है, यानी कि आप 12GB तक का मजा उठा सकते हैं इन जस्ट 12,000 में। कुछ बेंचमार्क का कंपैरिजन देख सकते हैं आपको जो इस प्राइस सेगमेंट के एग्जैक्टली आपको मिलता है। गेमिंग की बात करें गाइस, देखो इस फोन में आपको 40 FPS तक का सपोर्ट दिया गया है, टू बी फ्रैंक, और ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे स्टेबल फ्रेम रेट में नियर टू 40 FPS अच्छा खासा गेम प्ले कर सकते हैं। डिवाइस में हीटिंग नहीं है, जो कि कोई ऐसी इश्यूज नहीं है, CPU बहुत ही केपेबल है, तो आप आसानी से बीजे में भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, और अदर गेम्स जो आप प्ले करना चाहते हैं ये फ़ोन वो भी हैंडल कर लेता है। इस प्राइस में आपको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिली है ऑन द गेमिंग साइड भी। मूविंग फॉर द गाइस, चलिए अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अब ये अफोर्डेबल फ़ोन है तो डिस्प्ले आपको क्या मिलता है, फर्स्ट LCD पैनल है, आप देख सकते हैं कि इंडोर में इसका लुक एंड ब्राइटनेस कैसा है। फ्रैंकली इस प्राइस में आपको इससे बेस्ट नहीं मिल सकता है, यही मिलता है, तो इसकी पीक ब्राइटनेस भी ठीक है, जैसे मैंने कहा आप इंडोर आउटडोर कहीं भी व्यू करेंगे आपको दिक्कत तो नहीं रहेगी। बेजल्स भी यहाँ पे सिमेट्रिकल हैं, बॉटम में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, और 3 साइड कम्प्लीटली सिमेट्रिकल हैं। 120Hz का रिफ्रेश रेट है गाइस, ये कमाल की बात है, बिकॉज उससे आपकी फ़ोन की जो फ्लूडिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इस फ़ोन का जो टच रिस्पॉन्सिव ये भी बहुत अच्छा है, 240Hz की टच सैम्पलिंग है, जो बोथ यूसेज करने में और गेमिंग में भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। साथ ही साथ इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिसकी अनलॉकिंग भी काफ़ी फास्ट है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस सही है, सेंटर पेंच होल भी सही दिया गया है, तो बोथ मीडिया कंजम्पशन के लिए, गेम खेलने के लिए, सभी तरीके से आपको ये डिस्प्ले अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस बैटरी एंड अदर स्टफ। इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, और बॉक्स में आपको 18W का सपोर्ट मिलता है। जनरली ऐसा होता है कि 18W बोला जाता है, लेकिन बॉक्स में 10W का चार्जर मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 18W दिया जा रहा है, ये एक कूल पार्ट है जो आपको इस फ़ोन में मिलता है। बाकी बैकअप वाइज देखो, फ़ोन जितना हमने यूज़ किया, आप इस फ़ोन को हैवी टू हैवी उसमें भी 1.5 से 2 दिन बड़े आसानी से चला सकते हैं। क्योंकि आपको मैं स्टैट्स दिखा देता हूँ, देखो अभी 60% बैटरी बची है, और आप मैक्स आउट परफॉर्मेंस भी आप अराउंड 8 आवर्स प्लस का भी यहाँ पे बैकअप ऑलरेडी दिखा रहा है, तो बैकअप टाइम में मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई इश्यूज होने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट अदर कूल फीचर्स, जैसे कि यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर का फीचर मिलता है, दैट मींस आप जो अप्लीयंसेज आपके घर में, जैसे कि कंडीशन या अदर चीज़ें, वो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट गाइस, इस फोन में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, ये एक बहुत ही क्रेजी पार्ट है, और इसमें अदर कूलेस्ट फीचर ये दिया गया है कि ये ऑल डायरेक्शनल NFC है, यानी कि आप अपर हाफ बॉडी को किसी भी डायरेक्शन से टच कराएंगे तो आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो इस फोन में आपको IP54 का सर्टिफिकेशन मिलता है, यानी कि फोन आपका सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ भी है। ड्यूबल स्टीरियस स्पीकर्स मिलते हैं, उसकी भी क्वालिटी टेस्ट करते हैं। स्पीकर्स भी यहाँ पे आपने सुना डिसेंट स्पीकर्स हैं,
फुल पे सुनेंगे आपको हल्का सा क्वालिटी में डाउन फील हो सकता है, लेकिन अगर आप 80-70 पे सुनते हैं तो बहुत ही सही आप यहाँ पे ऑडियो का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो इन द समरी में गाइस, देखो इस फ़ोन में फ्रैंकली क्या अच्छा क्या बुरा लगा। अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें, 12,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। इस प्राइस में जो फीचर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो पहली बात तो बहुत से फ़ोन से मिलते नहीं, जैसे कि ट्रू AI जो कि नहीं मिलता, आपको 30-35,000 कम से कम खर्च करना पड़ेगा। 1/3 MP 3x लॉसलेस जूम, यानी कि आप क्लोज टू ऑप्टिकल जूम की क्वालिटी पा सकते हैं, नॉट 100% एग्जैक्टली बट आप उसे क्लोज जा सकते हैं, वो भी आपको 30-35 के फोन में मिलता है। बाकी 120Hz पावरफुल CPU सब कुछ यहाँ पर मिल ही रहा है। तो ऑल इन ऑल ये इस प्राइस में आपको बहुत ही सही वैल्यू फॉर मनी फीचर्स ऑफर कर रहा है इन दिस लेटेस्ट टेक्नो नोवा 6 Neo।